नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्य भारत में। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते हैं खबरों। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार अगले महीने नमस्ते ओरछा का आयोजन कर रही है, लेकिन स्थानीय प्रशासन से लेकर सरकार के नुमाइंदे ऐतिहासिक स्थान सातार पार्क की सुध लेना भूल गए हैं। यहाँ शहीद चंद्रशेखर आजाद ने साल 1924-25 में 1.5 साल का अज्ञातवास काटा था। जानकारों का कहना है कि नमस्ते ओरछा में इस जगह को भी शामिल करना चाहिए। कम से कम इस बहाने शहीद के हाथ से बनाई गई कोठरी व उनका पत्थर मिट्टी से बना तकिया पलंग भी सुरक्षित हो जाता। देश प्रेमियों के लिए यह स्थान किसी तीर्थ से कम नहीं है। चंद्रशेखर आजाद ने ओरछा से 5 किलोमीटर दूर इस स्थान पर अकेले ही एक कुआं खोदा था, हनुमान जी का छोटा सा मंदिर और रहने के लिए एक कोठरी बनाई थी। कुछ दूरी पर एक सुरंग भी बनाई थी जो 1 किलोमीटर आगे खुलती थी। इनमें से कुआं और मंदिर तो संरक्षित है, लेकिन बाकी दोनों स्थान जर्जर हैं। आजाद के अज्ञातवास के रूप में मशहूर इस स्थान के पास ही एक म्यूजियम कुछ सालों पहले बनाया गया है, जहां उनके जन्म स्थान भाभरा गांव और शहादत वाले स्थान प्रयागराज की मिट्टी के कलश रखे हुए हैं। सन 1984 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इसी परिसर में आजाद की प्रतिमा का अनावरण किया था। फिलहाल इस पार्क में पेवर ब्लॉक लगवा दिए गए हैं। आजाद यहां सन्यासी के भेष में रहे। उन्हें यहां लाने वाले स्थानीय स्वतंत्रता सेनानी मास्टर रुद्र नारायण ने उनका नाम ब्रह्मचारी हरिशंकर रख दिया। तब उनसे मिलने कई क्रांतिकारी यहाँ आए थे। ये सभी यहाँ आजाद के साथ मंत्रणा करते थे। चंद्रशेखर आजाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के भाभरा गांव में हुआ था। उनके सम्मान में अब इस गांव का नाम बदलकर चंद्रशेखर आजाद नगर कर दिया गया है। मूल रूप से उनका परिवार उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के बदरका गांव से था, लेकिन पिता सीताराम तिवारी को अकाल के कारण अपने पैतृक गांव को छोड़कर मध्य प्रदेश के भाभरा का रुख करना पड़ा। यह भील जनजाति बहुल इलाका है और इसी वजह से बालक चंद्रशेखर को भील बालकों के साथ धनुर्विद्या और निशानेबाजी करने का खूब मौका मिला और निशानेबाजी उनका शौक बन गया। बालक चंद्रशेखर बचपन से ही विद्रोही स्वभाव का था। पढ़ाई से ज़्यादा उनका मन खेल गतिविधियों में लगता था। इसके बाद वह घटना घटी जिसने पूरे हिंदुस्तान को हिला कर रख दिया। जलियांवाला बाग हत्याकांड ने बालक चंद्रशेखर को झकझोर कर रख दिया और उन्होंने ईंट का जवाब पत्थर से देने की ठान ली। वैसे तो पंडित चंद्रशेखर तिवारी को उनके दोस्त पंडित जी बलराज और क्विक सिल्वर जैसे कई उपनामों से बुलाते थे, लेकिन आजाद उपनाम सबसे खास था और चंद्रशेखर को पसंद भी था। उन्होंने अपने नाम के साथ तिवारी की जगह आजाद लिखना पसंद किया। चंद्रशेखर को जाति बंधन में स्वीकार नहीं था। आजाद उपनाम कैसे पड़ा इस संबंध में भी एक रोचक उपकथा विख्यात है। हालांकि इस कथा का पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जिक्र किया है, लेकिन यह शुरुआती दौर से ही उनके बारे में सुनी सुनाई जाती है। हुआ यूं था कि 1921 में असहयोग आंदोलन अपने चरम पर था और बालक चंद्रशेखर एक धरने के दौरान गिरफ्तार कर लिए गए थे और मजिस्ट्रेट के सामने हाजिर किया गया। पारसी मजिस्ट्रेट मिस्टर खरेघाट अपनी कठोर सजाओं के लिए जाने जाते थे। उन्होंने कड़क कर चंद्रशेखर से पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? चंद्रशेखर ने संयत भाव से उत्तर दिया, मेरा नाम आजाद है। मजिस्ट्रेट ने दूसरा सवाल किया, तुम्हारे पिता का क्या नाम है? आजाद का जवाब फिर लाजवाब था। उन्होंने कहा, मेरे पिता का नाम स्वाधीनता है। एक बालक के उत्तरों से चकित मजिस्ट्रेट ने तीसरा सवाल किया, तुम्हारी माता का नाम क्या है? आजाद का जवाब था, भारत मेरी माँ है और जेल खाना मेरा घर। बस फिर क्या था, गुस्साए मजिस्ट्रेट ने चंद्रशेखर को 15 बेत लगाने की सजा सुना दी। बालक चंद्रशेखर को 15 बेत लगाई गई, लेकिन उन्होंने उफ तक ना किया। हर बेत के साथ उन्होंने भारत माता की जय का नारा लगाया। आखिर में सजा भुगतने के एवज में उन्हें 3 आने दिए गए, जो
जो वे जेलर के मुंह पर फेंकाए। इस घटना के बाद लोगों ने उन्हें आजाद बुलाना शुरू कर दिया। जलियांवाला बाग के हत्याकांड के बाद चंद्रशेखर को समझ में आया कि आजादी बात से नहीं बल्कि बंदूक से मिलेगी। हालांकि उन दिनों महात्मा गांधी और कांग्रेस का अहिंसात्मक आंदोलन अपने चरम पर था, पूरे देश में उन्हें भारी समर्थन मिल रहा था। ऐसे में हिंसात्मक गतिविधियों के पैरोकार कम ही थे। चंद्रशेखर आजाद ने भी महात्मा गांधी द्वारा चलाए जा रहे असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया और सजा पाई, लेकिन चोरा चोरी कांड के बाद जब आंदोलन वापस लिया गया तो आजाद का कांग्रेस से मोह भंग हो गया। चंद्रशेखर आजाद ने बनारस का रुख किया। बनारस उन दिनों भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों का केंद्र हुआ करता था। बनारस में वह देश के महान क्रांतिकारी मन्मथनाथ गुप्त और प्रमेश चटर्जी के संपर्क में आए। उन नेताओं में से वो इतने प्रभावित हुए कि वे क्रांतिकारी दल हिंदुस्तान प्रजातंत्र संघ के सदस्य बन गए। इस दल ने शुरू में गांवों के उन घरों को लूटने की कोशिश की जो गरीब जनता का खून चूसकर पैसा जोड़ते थे, लेकिन दल को जल्दी ही समझ में आ गया कि अपने लोगों को तकलीफ पहुंचाकर वे जनमानस को कभी अपने पक्ष में नहीं कर सकते। दल ने अपनी गतिविधियों को बदला और अब उनका उद्देश्य केवल सरकारी प्रतिष्ठानों को नुकसान पहुंचाकर अपनी क्रांति के लक्ष्यों को प्राप्त करना बन गया। दल ने पूरे देश को अपने उद्देश्यों को परिचित करवाने के लिए अपना मशहूर पेम्पलेट द रिवोल्यूशनरी प्रकाशित किया। इसके बाद उस घटना को अंजाम दिया गया जो भारतीय क्रांति के इतिहास के अमर पन्नों में सुनहरे हरफों में दर्ज है। जी हाँ, उस कांड का नाम है काकोरी कांड। काकोरी कांड से कौन नहीं परिचित है, जिसमें देश के महान क्रांतिकारियों रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी और ठाकुर रोशन सिंह को फांसी की सजा सुनाई गई थी। दल के 10 सदस्यों ने इस लूट को अंजाम तक पहुंचाया और अंग्रेजों के खजानों को लूट कर उनके सामने चुनौती पेश की। इस घटना के बाद दल के ज्यादातर सदस्य गिरफ्तार कर लिए गए। दल बिखर गया। आजाद के सामने एक बार फिर दल खड़ा करने का संकट आ गया। कई प्रयासों के बावजूद अंग्रेज सरकार उन्हें पकड़ने में असफल रही थी। इसके बाद छुपते छुपाते आजाद दिल्ली पहुंचे, जहां के फिरोज शाह कोटला मैदान में सभी बचे हुए क्रांतिकारियों की गुप्त सभा आयोजित की गई। इस सभा में आजाद के अलावा महान क्रांतिकारी भगत सिंह भी शामिल हुए। तय किया गया कि एक नए नाम से नए दल का गठन किया जाए और क्रांति की लड़ाई को आगे बढ़ाया जाए। नए दल को नाम दिया गया हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। आजाद को इसका कमांडर इन चीफ बनाया गया। संगठन का प्रेरक वाक्य बनाया गया, हमारी लड़ाई आखिरी फैसला होने तक जारी रहेगी, वह फैसला है जीत या मौत। दल ने सक्रिय होते ही कुछ ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया कि अंग्रेज सरकार एक बार फिर उनके पीछे पड़ गई। लाला लाजपत राय की मौत के बदला लेने के लिए भगत सिंह ने सांडर्स की हत्या का निश्चय किया और चंद्रशेखर आजाद ने उनका साथ दिया। इसके बाद आयरिश क्रांति से प्रभावित भगत सिंह ने असेंबली में बम फोड़ने का निश्चय किया और आजाद ने फिर उनका साथ दिया। इन घटनाओं के बाद अंग्रेज सरकार ने इन क्रांतिकारियों को पकड़ने में पूरी ताकत लगा दी और दल एक बार फिर बिखर गया। आजाद ने भगत सिंह को छुड़ाने की कोशिश भी की, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। जब दल के लगभग सभी लोग गिरफ्तार हो चुके थे, तब भी आजाद लगातार ब्रिटिश सरकार को चकमा देने में कामयाब रहे थे। अंग्रेज सरकार ने राजगुरु भगत सिंह और सुखदेव को फांसी की सजा सुनाई और आजाद इस कोशिश में थे कि उनकी सजा को किसी तरह कम या उम्र कैद में बदलवा दी जाए। ऐसे ही एक प्रयास के लिए वे इलाहाबाद पहुंचे। इसकी भनक पुलिस को लग गई और जिस अल्फ्रेड पार्क में वे थे उसे हजारों पुलिस वालों ने घेर लिया और उन्हें आत्मसमर्पण के लिए कहा, लेकिन आजाद ने लड़ते हुए शहीद हो जाना ठीक समझा। उनका अंतिम संस्कार भी अंग्रेज सरकार ने बिना किसी सूचना के कर दिया। लोगों को मालूम चला जो लोग सड़कों पर उतर आए, ऐसा लगा जैसे गंगा जी संगम छोड़कर इलाहाबाद की सड़कों पर उतर आई हो। लोगों ने उस पेड़ की पूजा शुरू कर दी जहां इस महान क्रांतिकारी ने अंतिम सांस ली थी। उस दिन पूरी दुनिया ने देखा कि भारत ने अपने हीरो को किस तरह अपनी अंतिम विदाई दी। महाराज जी, आप यहाँ कब से हैं? लगभग एक साल।
एक साल आप लगभग यहाँ एक साल से पूजा पाठ कर रहे हैं, क्या शुभ नाम है आपका? आशीष गिरी। आशीष गिरी जी महाराज, यहाँ पर जो चंद्रशेखर आजाद जी की तपोस्थली है, तो यहाँ के बारे में कुछ हमें बताएं। यहाँ तो अभी इतना ही सुनने में मिलता है कि यहाँ पुजारी रहे, ये जो हनुमान जी है उन्होंने स्थापना किया इसमें, तो पूजा उजा करते रहे, ये उन्हीं का कुआ है। उनके हाथों का खोदा हुआ कुआ है, उन्होंने स्वयं खोदा था। नाम ले चंद्रशेखर आजाद जी खोदे थे, चंद्रशेखर आजाद जी खोदे थे। हाँ, चंद्रशेखर आजाद ने खोदा। चंद्रशेखर आजाद जी द्वारा खोदा गया कुआं है ये। अंदर आ जाओ, उनकी आसन है, यहाँ वो लेटते थे। यहाँ लेटते थे, यही लटते थे। हाँ, यही लटते थे, ये उनकी भोजन वोजन के लिए था। हमेशा यही लटते थे। बहुत बढ़िया फोटो आई है आपने। चबूतरे में लड़ते थे। ये लड़ते थे, उनका आसन है वहां, कभी कोई चढ़ता है ना लेटता। एक गुफा है उनकी, गुफा है, जब अंग्रेजों से लड़ाई चलती थी तो हमने अपने हथियार छिपाने पाने के लिए गुफा बनाई थी। ये गुफा थी, इसको भाट दिया गया है, है ना? 3 किलोमीटर है आगे, 3 किलोमीटर एक यहाँ पर सिद्ध बाबा आश्रम है, सिद्ध बाबा स्थान है, वहाँ तक है ये गुफा। अब ये मिट्टी गिर गई, सुपुर गई नदी की, मिट्टी गिर गई इसमें, इसमें दरवाजा टाइप का था। कितनी लंबी है ये है? कितनी लंबी गुफा है? 2.5 मीटर मीटर नहीं किलोमीटर 2.5 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर गुफा। हाँ, यहाँ से बहुत दूर है पहाड़ी, वहाँ निकली है ये गुफा। वो जब कभी छिप के अंग्रेजों से वो करते थे तो वहाँ जाते थे, गुफाई गुफा निकल जाते थे, उनका कोई पता भी नहीं चल पाता था अंग्रेजों को कि कहाँ निकल गए, ऐसा था उनका। वो लगभग 1.5 साल रहे यहाँ, 2 साल इसके बाद चले गए वो। मंदिर वही बनवाए थे? धोनी कच्चे को नहीं कहा है। अच्छा, ये उनकी धोनी है बैठने वाली। हाँ, यही पूजा उजा करते थे, धोनी में बैठते थे, धोनी लगा के यही धोनी लगाते थे। संत भेष में थे वो, साधु भेष। अंदर से खींच लाओ। चंद्रशेखर आजाद जी की ध्वनि कक्ष है ये। ये ध्वनि कक्ष है चंद्रशेखर आजाद जी का। हाँ,
मंदिर वही बनवाए थे, चंद्रशेखर आजाद जी मंदिर बनवाए थे। चंद्रशेखर आजाद जी बनवाए थे तो बच्चा के लिए किसी टाइम पे अंग्रेज यहाँ चढ़ाई किया था तो उनको फिर हनुमान जी अपने आप नीचे से आ गए थे, उनने बताया भी नहीं था, नीचे से निकल आए थे अपने आप फिर उनने मंदिर बनाया था। हनुमान जी स्वामी अपने आप निकल आए। एक चट्टान है पथरा की चंद्रशेखर आजाद जी स्थापित किए यहाँ, उन्होंने पूजा की है 1.5-2 साल। फिलहाल के लिए इतना ही, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ, नमस्कार।